Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for MT CAT, and today I am going to discuss the last topic of our unit. So that is the gonads. So let's move on. Dear students, now the gonads. So there are two gonads in the humans. Ovaries and number two are the testes. So ovaries, they are the female, these are the female gonads. Female gonads, while the testes, they are the male gonads. Ovaries produce two important hormones. Number one is estrogen. And number two is progesterone. Estrogen, it is secreted by ripening follicle. Which is called the Graafian follicle. Clear? Progesterone, it is secreted by ruptured follicle. Called corpus luteum. Corpus luteum. And placenta. ये दो जगह से सेक्रेट होता है, एक नॉर्मल फीमेल के अंदर कॉर्पस ल्यूटियम से यानी कि रप्चर्ड फॉलिकल से, और एक प्रेग्नेंट जो फीमेल होती है उसके कॉर्पस ल्यूटियम और उसके बाद फिर प्लेसेंटा से. जबकि एस्ट्रोजन, इट इज़ यूजुअली सेक्रेटेड फ्रॉम द राइपनिंग फॉलिकल इन द ओवरीज. ठीक है, और उस राइपनिंग फॉलिकल को क्या कहा जाता है? ग्राफियन फॉलिकल. और ग्राफियन फॉलिकल कब बनती है? Which is formed, yani Graafian follicle ki baat hai, which is formed under stimulation of FSH. Follicle stimulating hormone. The follicle
stimulating hormone. लेकिन बहुत अहम पॉइंट याद रखना आपने, बहुत अहम पॉइंट कि एस्ट्रोजन का, एस्ट्रोजन एग्जर्ट्स एस्ट्रोजन एग्जर्ट्स नेगेटिव फीडबैक to FSH. FSH को ये नेगेटिव फीडबैक यानी कि रिस्पॉन्ड करते उस पर एग्जर्ट करते, नेगेटिव फीडबैक एग्जर्ट कर रहा होता है, मतलब कि एस्ट्रोजन जो है FSH की फॉर्मेशन को, सिंथेसिस को फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी, चूंकि ये गोनेडोट्रोफिन है, FSH एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, इसी के इफेक्ट के अंदर क्या जब FSH रिलीज होता है तो उसके रिस्पॉन्स में ग्राफियन फॉलिकल्स बनते हैं, ग्राफियन फॉलिकल फिर प्रोड्यूस करता है एस्ट्रोजन को. लेकिन जब एस्ट्रोजन की सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा तो ये FSH की फॉर्मेशन को फ्रॉम द, या इसके रिलीज को फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी उसको रोक देगा. सो इट एग्जर्ट्स नेगेटिव फीडबैक टू द FSH. लेकिन इसका एक पॉजिटिव फीडबैक भी है. But estrogen exerts positive feedback. ये बहुत important MCQs है, mark कर लीजिए. Positive feedback on LH. किसके ऊपर? LH के ऊपर. That is the luteinizing hormone. उसके ऊपर इसका पॉजिटिव फीडबैक है. क्लियर? ड्यूरिंग सम टाइम इन द, एक वक्त आता है जहां पर ये ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड एस्ट्रो साइकिल ये वहां पर पॉजिटिव फीडबैक एग्जर्ट करेगा. तो याद रखिएगा कि एस्ट्रोजन का नेगेटिव फीडबैक इसके ऊपर है, FSH के ऊपर, और पॉजिटिव फीडबैक इसके ऊपर है, LH के ऊपर. क्लियर? अब एस्ट्रोजन का रोल क्या है, व्हाट इज इट्स रोल? सो एस्ट्रोजन इज रिलीज्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, सॉरी ड्यूरिंग प्यूबर्टी. जैसे ही बलोगत होती है फीमेल्स में तो यह रिलीज होता है, और उस वक्त एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फीमेल सेकेंडरी sexual characteristics. और females secondary sexual characteristics क्या होते हैं? You know very well. Females के अंदर उनकी जो आवाज़ है वो बारीक होना शुरू हो जाती है मज़ीद, और इसके अलावा उनके अंदर breast की development start हो जाती है, इनके अंदर अंडर आर्म्स यानी एक्सिलरी हेयर्स और प्यूबिक हेयर्स इनकी जो है ग्रोथ हो स्टार्ट हो जाती है. सो दीज आर द सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स इन फीमेल्स. तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है जब ये प्यूबर्टी के दौरान ये रिलीज होता है. क्लियर? और फिर इट स्टार्ट्स द मेंस्ट्रुअल साइकिल एज वेल. दूसरे नंबर पर इट इज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल इसका क्या काम है? इट कॉजेस थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम
प्लस वेस्क्युलराइजेशन ऑफ एंडोमेट्रियम क्लियर। तो उसको थिक भी कराता है और एंडोमेट्रियम को वेस्कुलराइज, वेस्कुलराइजेशन का मतलब वहां पर ब्लड वेसल्स को इंक्रीज, जैसे जैसे वो थिक होते जाएगी तो साथ में नई नई ब्लड वेसल्स भी बनेगी, दैट इज कॉल्ड एज वेस्कुलराइजेशन। क्लियर सॉरी। इसके अलावा इट इज ऑल्सो, जब इसका लेवल बढ़ जाएगा, इंक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, इट विल एग्जर्ट पॉजिटिव फीडबैक अपॉन द पिट्यूटरी ग्लैंड, और वहाँ से एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या रिलीज करवाएगा, LH को, और LH फिर क्या करेगा, जो ग्राफियन फॉलिकुलस को रप्चर करवाएगा, ठीक है, रैपनिंग फॉलिकुल को रप्चर करवाएगा, और उसमें से फिर जो है ये इट लीड्स टू द ओवुलेशन। क्लियर। खैर हम सिर्फ जस्ट इसकी बात कर रहे हैं। सो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल इसका ये काम है। आफ्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब कि जब ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और ब्लीडिंग हो चुकी होती है, एंडोमेट्रियम शेड हो चुकी होती है, इट कॉजेस द रिपेयर ऑफ एंडोमेट्रियम, दोबारा से उसको हील करवाना, यानी कि रिपेयर करवाना एंडोमेट्रियम को, इसके जिम्मे है। क्लियर। और ये स्टूडेंट्स, इसके अलावा जो एंडोमेट्रियम को रिपेयर करवाने के अलावा, इसकी एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी, बल्कि कहेंगे इट इज मोर अप्रोप्रिएट ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी, एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन मेक्स सम सेल्स ऑफ यूट्रस ग्लैंडुलर, वो क्या बना देता है, ग्लैंडुलर विच सेक्रेट a proteinaceous secretion which is अब इसका थोड़ा सा हिस्सा मैं यहां पर लूंगा, which is taken up by which is taken up by embryo for early developmental stages. So all these roles are performed by just single hormone, that is estrogen. Clear? अब जो स्टूडेंट्स इसकी ये तो नॉर्मल सारी फंक्शनिंग होगी, दैट्स अ नॉर्मल फंक्शनिंग। अब आते हैं इसकी एबनॉर्मेलिटीज पे। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द एबनॉर्मेलिटीज, ऑफ एस्ट्रोजन
तो पहले इसकी देखते हैं अंडर सेक्रेशन, अंडर सेक्रेशन इन यंग फीमेल्स, अगर यंग फीमेल्स के अंदर ये नॉर्मल लेवल से कम सेक्रेट हो, सो द फीमेल्स फेल टू मैच्योर सेक्सुअली, उनके अंदर सेक्सुअल मैच्योरिटी नहीं आएगी अगर यंग फीमेल्स के अंदर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, ठीक है। लेकिन अगर एडल्ट्स की बात करें, इन एडल्ट्स इट लीड्स टू स्टरिलिटी, मतलब कि द फीमेल बिकम्स इम्पॉर्टेंट, भांज हो जाएगी, उसके अंदर बच्चे पैदा करने की सलाहियत ख़त्म हो जाएगी अगर एडल्ट्स में ऐसा हुआ। यंग फीमेल्स में वो सेक्सुअली मैच्योर नहीं हो पाएगी, और अगर एडल्ट्स में इसकी डेफिशिएंसी हुई सो शी विल बी अनेबल टू कैरी अ चाइल्ड। और इसकी ओवर सेक्रेशन देख लेते हैं, ओवर सेक्रेशन अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा सेक्रेट हो रहा हो, सो ओवर सेक्रेशन इज ऑल्सो डेंजरस, सो इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रॉइड्स एंड पॉलीसिस्टिक ओवरीज, पॉलीसिस्टिक ओवरीज। तो फाइब्रॉइड्स आमतौर पर ये यूट्रस के अंदर आउटग्रोथ्स बन जाती हैं, एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, जिसको हम अपने सादा देसी लैंग्वेज में कहते हैं रसोली बन जाना, ठीक है, बच्चादानी के अंदर रसोलियाँ बन जाना, सो वो फाइब्रॉइड्स कहलाते हैं। तो वो बन सकते हैं इसकी ओवर सेक्रेशन से, या फिर जो ओवरीज हैं उनके गिर्द मल्टीपल सिस्ट बन जाती हैं जिसको पॉलीसिस्टिक ओवरीज कहा जाता है। दोनों ही कंडीशंस जो है ये डेंजरस हैं, एबनॉर्मल हैं, क्लियर। सो इट इज़ द ओवर सेक्रेशन। अंडर सेक्रेशन हुई यंग में हुई तो वो सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर नहीं आ सकेंगे, ब्रेस्ट डेवलपमेंट नहीं होगी, आवाज़ का उसी तरह से वो जैसे मर्दाना आवाज़ होती है उस तरह से रहेगी, और वो सेक्सुअली मैच्योर नहीं हो पाएगी, ठीक है। और एडल्ट्स में हुआ तो शी विल बी अनेबल टू कैरी अज अ चाइल्ड, उसके अंदर शी विल बिकम स्टीराइल। अब बात करते हैं प्रोजेस्टेरॉन की, सो प्रोजेस्टेरॉन को मैं यहाँ पर शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सो दैट इज़ द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एस्ट्रोजन, इसको मैं सेपरेट कर देता हूँ। सो दैट्स ऑल अबाउट द एस्ट्रोजन। नाउ द प्रोजेस्टेरॉन, सो प्रोजेस्टेरॉन इट इज सेक्रेटेड बाय द रप्चर्ड फॉलिकल्स, याद रखिए रप्चर्ड फॉलिकल को क्या कहते हैं, द कॉर्पस ल्यूटियम, याद रखिएगा। और कॉर्पस ल्यूटियम क्या, इट इज़ अ येलोइश ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर, येलोइश ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर, जो कब बनता है, जब ओवुलेशन होती है, आफ्टर ओवुलेशन, आफ्टर ओवुलेशन कॉर्पस ल्यूटियम क्या, इट्स अ येलोइश ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर ठीक है। और जब इसमें से जो ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो और उसमें से जो सेकेंडरी ओसाइट रिलीज हो जाता है उसके बाद ये कन्वर्ट होता है टू येलोइश ग्लैंडुलर, दैट इज कॉर्पस ल्यूटियम। सो उस कॉर्पस ल्यूटियम में से सेक्रेट होगा जब ये इट्स अ पार्ट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, जिसको हम ल्यूटियल स्टेज भी कहते हैं, तो उस दौरान ये प्रोजेस्टेरॉन सेक्रेट होगा, या फिर जब प्रेगनेंसी हो जाए, जब प्रेगनेंसी हो जाए तो फिर उस दौरान जो है ये प्लेसेंटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स सेक्रेशन। इसका दूसरा नाम बता दूं प्रोजेस्टेरॉन का, इसे कहते हैं हार्मोन ऑफ प्रेगनेंसी, इसे कहते हैं हार्मोन ऑफ
प्रेगनेंसी, मतलब कि ये हार्मोन के एक सिग्निफिकेंट लेवल्स चाहिए होते हैं टू मेंटेन द प्रेगनेंसी। ठीक है, तो इसके आप इफेक्ट्स देखते हैं, क्या इफेक्ट्स होते हैं। तो दो तरह के इसके इफेक्ट्स आएंगे, एक तो इसके इफेक्ट्स हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रोजेस्टेरोन causes more thickening of endometrium or the uterine wall, as well as जो ज़्यादा थिकनिंग करवानी है तो फिर साथ में ज़्यादा ब्लड वेसल्स को भी बढ़ाना पड़ेगा। सो एज वेल एज वेस्कुलराइजेशन, एज वेल एज वेस्कुलराइजेशन एंड मेक्स एंड मेक्स यूट्रस रिसेप्टिव for implantation of embryo। तो ये तो काम हो रहा है कब? During menstrual cycle। ठीक है, during menstrual cycle, लेकिन after menstrual cycle, मतलब कि जब let's suppose if the pregnancy the female has conceived, pregnancy ho gayi, so during pregnancy maintains प्रेगनेंसी, ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। अगर इसकी सेक्रेशन में थोड़ा सा फर्क आ जाए, अंडर सेक्रेशन हो या ओवर सेक्रेशन हो ड्यूरिंग एनी स्टेज ऑफ द लाइफ, सो इट लीड्स टू सम ड्रास्टिक चेंजेस। क्लियर? एक इंपॉर्टेंट चीज इसके हवाले से, दैट इट एग्जर्ट्स नेगेटिव feedback on FSH। ये भी FSH के ऊपर negative feedback रखता है, मतलब progesterone का level high रहेगा तो FSH secrete नहीं होगा, मतलब there will be no more ripening of the follicles, follicles ripen नहीं होंगे, आगे से मजीद उसमें से estrogen release नहीं होगा, यानी कि एस्ट्रोजन रिलीज नहीं होगा तो फिर LH रिलीज नहीं होगा, LH रिलीज नहीं होगा तो ओवुलेशन नहीं होगी, सो इट्स सप्रेसेस ओवुलेशन। तो ओवुलेशन सप्रेस हो गई, मतलब कि वो एग सेल रिलीज नहीं हुआ, सेकेंडरी ओसाइट रिलीज नहीं हुआ, तो मतलब देयर इज नो चांस ऑफ प्रेगनेंसी, नो मोर। ठीक है, तो जब तक प्रेगनेंसी रहती है तब तक नया कोई नई ओवुलेशन नहीं होती है, मेंसेस जो होते हैं वो स्टॉप हो जाते हैं एफएसएच के, क्योंकि इसका नेगेटिव फीडबैक है एफएसएच के ऊपर। जी तो डियर स्टूडेंट्स, सो जैसे कि ये सप्रेस कर रहा है किसको? ओवुलेशन को, इसी वजह से सो दैट्स व्हाई इट इज द मेजर ingredient of birth control pills or contraceptive
डिवाइसेस। तो चूंकि ये ओवुलेशन को जो है वो सप्रेस कर रहा है, जिसके लेवल हाई रहेंगे तो एक नॉर्मल फीमेल्स क्या करती हैं कि वो बच्चे के जो बच्चों में वक्फे के लिए फैमिली प्लानिंग के लिए वो गोलियां खाती हैं, ठीक है, तो उनके अंदर प्रोजेस्टेरोन ही होती है, दैट इज़ अ मेजर इंग्रेडिएंट। चूंकि प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो फीमेल अगर खाती रहेगी तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई रहेगा, प्रोजेस्टेरोन का नेगेटिव फीडबैक इसके ऊपर FSH के ऊपर, तो जो फॉलिकल्स हैं वो राइपन नहीं होंगे, फॉलिकल्स राइपन नहीं होंगे तो मतलब कि एस्ट्रोजन सिक्रेट नहीं होगा, तो वो वाला साइकिल नहीं चलेगा, वो वाला फीडबैक नहीं चलेगा। अब एस्ट्रोजन की अगर कम रहेगा तो LH रिलीज नहीं होगा, LH रिलीज नहीं होगा तो ओवुलेशन सुप्रेस हो जाएगी, नहीं होगी, तो इस वजह से वो वक्फे के लिए ऐसा किया जाता है, वो बर्थ कंट्रोल जो पिल्स हैं वो खाई जाती हैं, या फिर जो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस होती हैं जैसे IUCDs जिनको बोला जाता है, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, तो उनके अंदर भी वो स्लो रिलीजिंग मैकेनिज्म होता है कि उसमें जब वो रखते हैं इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो रिलीज़ करते रहते हैं प्रोजेस्टेरोन को और उसका लेवल हाई रहते हैं। और खास तौर पर जो ये कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस का यूज़ है, इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर द फीमेल्स स्पेशली, ठीक है, फीमेल्स। और दूसरे नंबर पर एक बाकायदा तौर पर एक साइकोलॉजिकल स्टडी हुई है और साइंटिफिक स्टडी, तो जो फीमेल्स विच यूज़ द कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पे हों या कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस पे हों, तो डेयर स्टूडेंट्स उनके अंदर बहुत जो है वो ज़बरदस्त किस्म की नेगेटिव जो है वो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स आते हैं, ठीक है, और उनकी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ तरह के चेंजेस आती हैं जो कि नेगेटिव चेंजेस होती हैं, जो उनके लिए फिजिबल नहीं है, ठीक है। सो यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस और यूज़ ऑफ बर्थ कंट्रोल पिल्स, बोथ ऑफ देम दे कैन डिटोरिएट द फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकल्स, ठीक है। तो खैर बात हो रही थी इसकी प्रोजेस्टेरोन की, तो चूंकि ओवुलेशन को सप्रेस करा तो वहीं से बात निकल आई। अब एक और चीज़, अब आते हैं इसकी ओवर सेक्रेशन या फिर अंडर सेक्रेशन के अतबार से, तो अंडर सेक्रेशन इसकी डेंजरस है। सो इट्स अंडर सेक्रेशन, अगर इसकी अंडर सेक्रेशन हो तो क्या होगा कि एक तो अर्ली मेंसेस होंगे, ठीक है, उससे क्या हो जाएगा, इट मे लीड टू अर्ली मेंसेस। खास तौर पर डियर स्टूडेंट्स याद रखना है कि अगर इसका लेवल कम रहा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान तो ये ख़तरनाक है। उसकी रीज़न, क्योंकि लो लेवल्स इन प्रेगनेंसी तो ये पॉजिटिव फीडबैक एग्जर्ट करेंगे ऑक्सीटोसिन के ऊपर, ठीक है, पढ़ा आपने, ठीक है, ऑक्सीटोसिन के जो रिलीज़ का मैंने बताया था आपको, वहाँ पर उसको दोबारा देखिएगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, कि उसके रिलीज़ का एक फैक्टर ये भी है कि जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाए। सो लो लेवल्स इन प्रेगनेंसी एग्जर्ट्स पॉजिटिव फीडबैक ऑन ऑक्सीटोसिन, उससे क्या होगा, इट मे लीड टू मिसकैरेज हो सकता है, या जिसको हम एबॉर्शन कहते हैं अर्ली एबॉर्शन, वो भी हो सकती है, ठीक है। तो ये डेंजरस है, इट इज़ नॉट गुड फॉर द फीमेल्स, तो इसीलिए फिर उनके नॉर्मल लेवल्स को मेंटेन करवाना ज़रूरी होता है। तो ऐसी फीमेल जिनमें ख़तरा हो कि उनमें अर्ली मिसकैरेजेस हो जाते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर या सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर, उसके अर्ली सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर, तो फिर उनको ये इंजेक्शन से लगा जाते हैं बाकायदा तौर पर प्रोजेस्टेरोन के, ताकि उनके प्रोजेस्टेरोन का लेवल आर्टिफिशियली मेंटेन रहेगा तो वो प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर सकेंगे, ठीक है। सो दैट इज़ अबाउट द प्रोजेस्टेरोन। डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ मिस हो गई इसमें एस्ट्रोजन के हवाले से, उसको याद रख लीजिएगा कि एस्ट्रोजन की सेक्रेशन नोट कर लीजिए, ठीक है। सेक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन तो कहाँ से सेक्रेट हो रहा है, नंबर वन फ्रॉम द राइपनिंग फॉलिकल्स,
मतलब के ग्राफियन फॉलिकल, और कुछ स्पीशीज के अंदर फ्रॉम द इंटरस्टिशियल सेल्स। ऑफ ओवरीज, याद रखिएगा, ठीक है। बस ये सिर्फ एक ये पॉइंट था, तो इसको ध्यान में रख लेना, ठीक है। दो जगह से सेक्रेट हो सकता है, ये दो साइड्स ऑफ सेक्रेशन है एस्ट्रोजन की, रैपनिंग फॉलिकल मतलब के ग्राफियन फॉलिकल और दूसरा इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ द ओवरीज इन सम स्पीशीज। चले अब मूव करते हैं द मेल गोनेड की तरफ, ठीक है। द मेल गोनेड सो दे आर द टेस्टिस, सो टेस्टिस इट्स अ प्लूरल, टेस्टिस अगर यहां पर आई हो तो वो सिंगुलर है, टेस्टिस, क्लियर। सो टेस्टिस के अंदर देर आर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स द टेस्टिस हैव मैनी कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स the seminiferous tubules okay and between seminiferous tubules between them matlab ke seminiferous tubule are interstitial cells or the interstitial cells, these cells produce hormones testosterone and 17 beta hydroxy testosterone lekin kab under the influence of LH, the luteinizing hormone, ये जिसको males के अंदर क्या कहा जाता है ICSH, interstitial cell stimulating hormone, नाम इसका यही रखा गया कि इंटरस्टिशियल सेल्स को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। सो ये इंटरस्टिशियल सेल्स को स्टिमुलेट करेगा, हार्मोन कहाँ से आ रहा है, ये गोनाडोट्रोफिन है, आपको हमने ये इसको डिस्कस किया है एंटीरियर पिट्यूटरी में, गोनाडोट्रोफिन्स में। सो इसको LH भी कहा जाता है, लेकिन LH इट इज़ मोर अप्रोप्रिएट फॉर द फीमेल्स, लेकिन इसका एनालॉग जो है दैट इज़ द ICSH इन द मेल्स। सो इसके जब ये रिलीज होगा सो इट विल एक्ट अपॉन द इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ द टेस्टिस, मतलब कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के दरमियान जो सेल्स होते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स, वहां पर ये एक्ट करेगा और प्रोड्यूस करवाएगा दो हार्मोन्स द टेस्टोस्टेरोन एंड द 17 बीटा हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन। अब इन दोनों के इफेक्ट्स क्या हैं, ड्यूरिंग फीटल लाइफ मतलब बच्चा भी माँ के पेट में है और तकरीबन 2 से 3 माह का हो चुका है, प्रेगनेंसी हो चुकी है, द टेस्टोस्टेरोन इज रिस्पॉन्सिबल
फॉर डेवलपमेंट ऑफ मेल गोनेड्स। यहां पर इसका रोल, ठीक है। और फिर जब मेल गोनेड्स बन जाते हैं सो इट इज सेक्रेटेड आफ्टर देयर फॉर्मेशन टेस्टोस्टेरॉन इज सेक्रेटेड इन हाई लेवल्स। याद रखना इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, हाई लेवल्स, हाई लेवल्स में सेक्रेट होगा अनटिल प्यूबर्टी, प्यूबर्टी तक, बलोगत तक, ठीक है, अनटिल प्यूबर्टी। जैसे प्यूबर्टी हो जाती है अब प्यूबर्टी पे एंड आफ्टर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी मीन्स बलोगत, सो आफ्टर प्यूबर्टी इट्स लेवल्स रिमेन कॉन्स्टेंट। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, मार्क कर लीजिए प्लीज। लेवल्स रिमेन कॉन्स्टेंट, फेटल लाइफ से लेकर बलोगत तक इनके, इसके लेवल, ये हाई लेवल्स में सेक्रेट होगा, लेवल्स हाई रहेंगे। प्यूबर्टी के बाद, उसके बाद इसके जो लेवल्स है वो कॉन्स्टेंट हो जाएंगे ड्यू टू LH और ICSH, उसकी वजह से, ठीक है। और प्यूबर्टी के ऊपर इसका क्या रोल है, ड्यूरिंग फीटल लाइफ इसका क्या रोल था, मेल गोनेट्स को बनवाना, मेल सेक्स ऑर्गन्स को बनवाना, ठीक है, मेल गोनेट्स एंड सेक्स ऑर्गन्स, गोनेट्स प्लस सेक्स ऑर्गन्स, मतलब कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्शुअल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेल्स, ऑफ मेल्स प्लस स्पर्म प्रोडक्शन, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस प्लस द सेक्स ड्राइव, प्लस सेक्स ड्राइव। तो ये सारे फंक्शन प्यूबर्टी के बाद इसके ये एक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, इसके लेवल्स कॉन्स्टेंट रहेंगे और स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए बहुत ज़रूरी है, स्पर्म फॉर्मेशन के लिए। इसके अलावा सेकेंडरी मेल सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स, सेकेंडरी मेल सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, आवाज़ का भारी हो जाना, मर्दाना आवाज़ इसे कहते हैं, भारी आवाज़। और इसके अलावा अंडर आर्म हेयर्स होते हैं, एक्सिलरी हेयर्स एंड द प्यूबिक हेयर्स जो इनक्वाइनल रीजन में होते हैं, उनकी फॉर्मेशन जो है। और फिर उसके साथ सब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट द फेशियल हेयर्स, मतलब कि द मॉस्टैच एंड द ब्रेड बियर्ड एंड द बियर्ड, दाढ़ी मूंछ का आ जाना। तो ये भी मेल सेकेंडरी सेक्शुअल करेक्टरिस्टिक्स है, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टेस्टोस्टेरोन आफ्टर प्यूबर्टी, बलोगत के बाद, क्लियर। और अगर इसकी हो अंडर सेक्रीशन अंडर सेक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन लीड्स टू एजोस्पर्मिया और
स्पर्म काउंट, एंड समटाइम्स इट मे ऑल्सो लीड टू स्टेरिलिटी. मेल्स होते हैं वो दे बिकम स्टीराइल, वो बच्चे पैदा नहीं कर सकेंगे क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगी. एंड द पर्सन एंड द मेल विल शो द फीचर्स ऑफ एन इमैच्योर फीमेल. जो एक इमैच्योर फीमेल होती है, मतलब इसकी ऐसे मर्द की आवाज़ भी मर्दों जैसी नहीं होगी, मतलब कि प्योर जैसे मर्द भारी आवाज़ होती है. और दूसरे नंबर पर कि इनकी जो बॉडी, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट ग्लैंड, तो जैसे इमैच्योर फीमेल होती है जो जिसकी अभी बलूगत हुई है, सो उसमें लाइक स्मॉल ब्रेस्ट ग्लैंड वो भी इसके अंदर डेवलप होंगे. सो उस तरह की करेक्टरिस्टिक्स आना शुरू हो जाएंगे जब टेस्टोस्टेरोन की डेफिशिएंसी होगी. एंड सिमिलरली सेम करेक्टरिस्टिक्स are shown up by castrated का मतलब समझते हैं, होपफुली यू नो. कास्ट्रेशन कहते हैं surgically removed testes. वो किसी भी वजह से हो सकते हैं. कुछ लोग जो है वो ड्यूरिंग एक्सीडेंट्स ऐसा हो जाता है, टेस्टिकुलर टॉर्जन हो सकती है, उसकी वजह से टेस्टिस को रिमूव करवाना पड़ सकता है सर्जिकली. समटाइम्स ड्यूरिंग फाइट्स, लड़ाई झगड़े में अगर टेस्टिस जो है वो वहाँ पर, या स्पोर्ट्स इंजरीज के दौरान अगर बॉल्स लग जाएँ या बॉल्स दे वहाँ पर चोट लग जाए एंड द टेस्टिस दे बिकम टॉर्ट, मतलब कि वो रप्चर हो जाए, तो उस सूरत में भी इनको फिर कास्ट्रेट करना पड़ता है. या फिर ड्यूरिंग द टेस्टिकुलर कार्सिनोमा, जब टेस्टिकुलर कैंसर हो तो उस दौरान भी यूजुअली दे आर कास्ट्रेटेड. या फिर कुछ लोग शौकिया करवा लेते हैं, ठीक है, कास्ट्रेशन स्पेशली इन द यूरोप, तो टू मेक द ट्रांसजेंडर्स, विच इज़ टोटली रॉन्ग. सो सर्जिकल उनका रिमूवल होगा तो उनके अंदर करेक्टरिस्टिक्स क्या आ जाएंगे, वो इमैच्योर फीमेल वाले करेक्टरिस्टिक्स आना शुरू हो जाएंगे. सो क्यों, क्योंकि कास्ट्रेशन से क्या होगा, टेस्टिस रिमूव तो ICSH नहीं काम कर पाएगा इंटरस्टिशियल सेल्स पे, तो फिर वहाँ से टेस्टोस्टेरोन भी रिलीज नहीं हो पाएगा. सो बाकी जितने भी करेक्टरिस्टिक्स है वो वहाँ पर उनकी फॉर्मेशन नहीं हो सकेगी. क्लियर, सो दैट्स इट जी. तो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, एंड इफ देर इज एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू टुडेज लेक्चर, यू कैन पुट योर क्वेश्चन इन द कमेंट्स बॉक्स. आवर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट विल आंसर यू सून. सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. अल्लाह हाफिज़.